बदमाशों के बेखौफ इरादे लगातार जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और दिन पर दिन अब हद होती जा रही है। दरअसल बदमाशों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि वो सरेआम घर में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मामला सहारनपुर के नगर कोतवाली के माधोनगर का है, जहां बताया जा रहा है कि पड़ोस के रहने वाले राणा डेयरी वालों से महज गोबर डालने को लेकर रात 10 बजे पत्रकार और उसके भाई से कहा सुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद हद तब हुई जब आरोपी ने पत्रकार और उसके भाई पर गोली चलाई, जिसमें आशीष के भाई की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं आशीष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला ये है जी कि मेरे घर के बराबर में ये जो जिन्होंने लड़कों को इन्हें मारा है, इनकी हत्या की है, मेरे घर के बराबर में रहते हैं, महिपाल सैनी इनका नाम है, और इनके तीन लड़के हैं, और इनके जो सामने ये रहते हैं जिनकी हत्या हुई है, आशीष धीमान और आशीष धीमान दोनों भाई थे। और ऐसा है, सुनने में यह है कि शराब का कारोबार करते थे ये हत्यारे हैं, और जो ये आशीष हमारे भाई थे ये पत्रकार थे, तो इन्होंने कई बार इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करी, तो उसी रंजिश के चक्कर में इनको गोली मार दी। दिन दिहाड़े पूरे मोहल्ले में सबके सामने मारी गई है। पहले इनकी माता को और इनके छोटे भाई को और इन्हें घर में घुस के मारा गया, हाथ लाठियों डंडों से खूब मारा, और बल्कि आशीष के सिर में भी काफ़ी चोट लगी हुई थी। और जब मैं ही उनको लेकर आया था, फिर पुलिस आई, पुलिस की गाड़ी में डाल के मैं उनको लेकर आया, यहाँ आते आते उनकी मौत हो चुकी। आशीष उसमें तीन चार दिन पहले ही दैनिक जागरण ज्वाइन किया था, वो पत्रकार हैं पेशे से, दोनों भाई हैं। सुबह 10 बजे की घटना बताई जा रही है, जहाँ इनका पड़ोसियों से विवाद होता है कूड़े और गोबर को डालने का, पूर्व में भी इनका विवाद हुआ था, तो आज विवाद बढ़ जाता है। इसी क्रम में दोनों भाइयों को गोली मारी गई है, दोनों की मृत्यु हो गई है, और इसमें मुकदमा पंजीकृत करा करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कुछ कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है? इसमें टीमें लगाई गई हैं, चार पांच टीमें गठित करके अलग अलग जगह भेजी जा रही हैं, जो अक्यूज हैं मूल निवासी और शामली के बताए जा रहे हैं, तो टीमें अलग अलग जगह भेज करके उनको जल्द ही गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिलने पर पुलिस आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, साथ ही कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि घटना की जांच लगातार जारी है और मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक आशीष पेशे से पत्रकार था और जनवाणी, अमर उजाला, हिंदुस्तान जैसे बड़े अखबारों में बतौर पत्रकार अपनी सेवाएं दे चुका था। हाल ही में आशीष ने दैनिक जागरण में अपनी सेवा शुरू की थी। गौरतलब है कि घर को संभालने वाला अकेला आशीष ही था और परिवार के सभी लोग जीविकोपार्जन के लिए आशीष पर निर्भर थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।